हर हर महादेव। जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को सूरज बीएल ब्लॉग चैनल में। तो आज है 21 मार्च और सुबह के कितने हो रहे हैं भैया? 8:15। तो सुबह का 8:15 हो रहा है। और आप सब पिछला ब्लॉग में आप सभी को बताए हुए थे, जो मैं एक ढाबा पर रुका हूँ यहाँ पे, और ये भैया सब थे यहाँ पे, अरेंज कर दिए थे सारा कुछ, तो इसके लिए धन्यवाद भैया आपको। तो अभी यहीं पे हैं और सामने में है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस, जो कि बलिया से लेकर के लखनऊ तक का है। वो तो पिछले ब्लॉग में भी बताया था सभी को। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं अजीत भाई के घर के लिए, जो कि यहाँ से 75 किलोमीटर के आसपास में है। तो आज पहुँचते हैं उसके घर पे, फिर वहाँ से देखते हैं कब निकलेंगे, अजीत भाई कब छुट्टी देता है निकलने का। ठीक है, तो अभी यहीं पर अभी निकल रहे हैं यहाँ से, सामान वगैरह ये बांध लिया हूँ, प्लस में हवा भी डाल दिया हूँ, टंच कर दिया हूँ। ठीक है, तो निकलते हैं यहाँ से, आगे जल्दी पहुँचते हैं। अभी 12 दिन हो रहा है और भाई साहब ये देखिए ना, खेतों का नज़ारा, ये देख के ना, मैंने ये देखने के बाद में ना अलग ही सुकून मिलती है। भाई साहब अभी जा रहे हैं अजीत भाई के घर पे, 25 किलोमीटर है यहाँ से, तो पहुँचते हैं भाई के घर पे। भाई साहब इधर थोड़ी सुबह शाम को हल्का सा ठंडी लगती है, लेकिन अभी गर्मी लग रही है। चला रहा हूँ ना, तो जैकेट खोल के रख दिया हूँ। अभी गूगल मैप क्या बता रहा है पता है, कौन से रास्ते से जाने के लिए? ये देखिए, ये खेत का रास्ता है, बोल रहा है ये रास्ते सब जाओ वो रोड में मिलने के लिए। भाई साहब वो अच्छा रोड था, वो नहीं दिखाया हमको, बोला ये वाला रोड से आपको जाना पड़ेगा। मैं उधर से आगे आया हूँ, ये दिखा रहा था ये खेत का रास्ता है, और इससे बोल रहा है जाने के लिए। अच्छा रोड छोड़वा दिया, उसमें नहीं बोला मुड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर के बोल रहा है मुड़ने के लिए। बताइए अब क्या करूँ इसको, अजीब है लेकिन भाई साहब। 24 किलोमीटर बाकी है यहाँ से भाई का घर, पहुँचते हैं। अभी फिर से वापस जाना पड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ना पड़ेगा, ये खेत का रास्ता दे रहा है समझिए। भाई साहब यहाँ पे कैसे पार करेंगे, रोड का तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कैसे पार करेंगे देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, बीचों बीच निकल के देखते हैं। पार कर लिए भाई साहब, बीचों बीच निकाले, गड्ढा नहीं था, बच गए। लेकिन गिरते नहीं, निकाल तो लेते ही, उतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि बचपन से ऐसे ऐसे रास्ते में चला के निकल गया हूँ ना, जो निकाल लेंगे। लेकिन ये माहौल सब देख कर बहुत ही आनंद आ रहा है भाई साहब, सच बता रहा हूँ। पूरा गांव खाटी गांव हूँ, ये पूरा खाटी विलेज, प्योर विलेज है ये सब, प्योर विलेज। मज़ा आता है ऐसे ऐसे जगहों पे। देख रहे हैं इधर नुकसान हो गया है फसल की, गेहूं की। रोड है ना थोड़ा सा, थोड़ा नहीं रोड खराब है, ज़्यादा ही, ज़्यादातर रोड खराब है अभी, बट कोई बात नहीं, अब रोड खराब होने से कोई दिक्कत नहीं है। बस 350-350 किलोमीटर घर है अपना यहाँ से, यानी कि अजीत भाई के घर से 350 किलोमीटर के आसपास में घर है अपना, तो 2-3 दिन में आराम से पहुँच जाएंगे अपने घर पे। अब पहले अजीत भाई के घर पे पहुँचते हैं। अभी 2:30 हो रहा है और यहाँ से बस 9.5 किलोमीटर बाकी है अजीत भाई का घर, तो पहुँचते हैं जल्दी से। ठीक है, ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, और अभी हमें देवरिया में घुसने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। भाई साहब अजीत भाई के घर के पास में आ गया हूँ, 500 मीटर दूरी है यहाँ से, काफ़ी अच्छा जगह पे अजीत भाई का घर है, पूरा शांति है ना, ऐसे ऐसे जगह बहुत पसंद है मुझे। फिर बगल में पूरा पानी पानी है, कॉल करता हूँ भाई साहब को, कहाँ पे हो भाई, आ जाओ। कॉल करता हूँ, कॉल करके बात करता हूँ कहाँ पे। थोड़ा सा आगे और जाना है, थोड़ा सा और, आँख का हालत ख़राब है, इतना गर्द आ गया है ना जब से मैं निकला हूँ तब से, अभी तक मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब ये बोर्ड है, ये रहा अजीत ब्रदर, हाँ हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ उधर से, ये है अजीत भाई। और बताओ क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। ये रहा भाई साहब का फुलझड़ी। चलते भी आगे। तो अभी शाम के 5:25 हो रहा है और ये है अजीत भाई, ये भी साइकिल राइडर,
और कितना स्टेट कंप्लीट किया हो सारा कुछ बता दो भाई। अभी 15 स्टेट हो गया है और 8000 प्लस किलोमीटर। और मैं नॉर्थ ईस्ट का मतलब यूपी का फर्स्ट साइकिलिस्ट हूँ जो नॉर्थ ईस्ट का 7 Sisters + 1 Brother वो भी साइकिल से कैपिटल सिटी को टारगेट करके आया है। हर तरह का वो तो मैं भी दिखा रहा हूँ वो भी। हाँ। मैंने हर तरह का मिलता है इस ये यात्रा में ना, हर तरह का जीवन जीना पड़ता है। कई मतलब कोई दिन अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और कोई दिन भूखा सोना पड़ता है। सोना पड़ेगा कि नहीं? तो ये है नॉर्थ ईस्ट में ये है ना कि मतलब शाकाहारी लोगों का थोड़ा मुश्किल है। और ये चीज और है कि नॉर्थ ईस्ट में भाई पहाड़ बहुत ज्यादा है। असम में तो मजा आएगा भाई, असम में तुम्हें जो जन्नत है वो मेन असम में वो देखेंगे। उसके बाद से जो है ना नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा त्रिपुरा भी सही है और उसके बाद से जो बाकी के स्टेट है भाई, मतलब पहाड़ी इतना ज्यादा है कि हालत खराब हो जाता है। हमारा तो हालत खराब हो गया, साइकिल धक्का मार मार के चढ़ाए सिंगल स्पीड साइकिल। हम लोग कभी उत्तराखंड हुआ था वही भाई, उत्तराखंड तो भाई कम ही राइड हुआ स्टेट है। तो हम लोग का बाकी 5 स्टेट जो है पूरा पहाड़ में ही है, पूरा पहाड़ में ही है। उसमें भी है तो मतलब... कंप्लीट करके आए हैं। बादशाह है ये अभी इधर का बादशाह नहीं भाई, अभी तो मैं हल्का फुल्का राइडर हूँ, सूरज भाई जैसा प्रो राइडर नहीं हूँ मैं। क्या प्रो राइडर भाई भाई मेरे से ज्यादा स्टेट भी हो गए तुम्हारे और मतलब एक्सपीरियंस वाले भी हो। सो तो है वो अलग बात है, लेकिन अच्छा लगा भाई के घर पे हूँ, मैंने घर पे रुका हूँ अभी, अब देखता हूँ कब तक है। और अभी भाई के साथ में भाई का पाची से आया हूँ इधर घूमने के लिए, बगड़ा मैंने आसपास में घुमा रहे हैं भाई साहब और अच्छा लग रहा है। और इधर ये कैंपिंग किए थे दिखा रहे हैं, जो इधर लिट्टी चोखा वगैरह सब बना था सारा कुछ। हाँ। है ना तो... हमारे यहाँ का मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लोकेशन है वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है हमारे मतलब आसपास के एरिया दिख रहा है भाई साहब। अभी आगे वाला जो लोकेशन है इससे वहाँ परवर का खेती वेती भी है, वहाँ पे मैं बहुत ज्यादा जाके परवर चोरी किया हूँ। परवर बोले तो परवर परूरा मतलब ये आलू का जैसे नदी के किनारे पे होता है वो ग्रीन वाला परोर बोलते हैं यार हम लोग, पूरी में परोरा बोलते हैं हम लोग, सब्जी में बनता है। हाँ, सब्जी है भाई। हाँ, हाँ, पर... दाने होते कट कट कर ओ ये परोर बोलते हैं उसको। परोर सब्जी में तो यार परोर नहीं समझते हम लोग, परोर हिंदी में परोर हो गया, परवल हुआ हिंदी में, लास्ट में लॉ लगता है। अरे वही भाई वही तो परवर परवर हम समझ नहीं रहते, परवल बोलते समझ आते। तभी घूम रहे इधर ही और अच्छा लगा भाई के घर पे पहुंच के, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि एक चीज बताऊं, ये भी मेरे घर पे पहुंच चुके हैं जब ये 7 Sisters मैंने 7 Sisters कंप्लीट करके जब वापस आ रहे थे तो हम बोले थे भाई मेरे घर पे रुक जाना, तो ये 2-3 दिन रुके थे मेरे घर पे। फिर ये बोले तुम जा रहे हो घर पे, तुम मेरे यहाँ आना। हाँ। बोले क्योंकि रास्ते में पड़ेगा और मतलब वही थोड़ा 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर। अभी रात के 10:09 हो रहा है और देख रहे हैं अभी हम सब अभी सोने आ गए हैं, वो भी टेंट में, बारिश हो रही थी और हम लोग प्लान बनाए, मतलब हम लोग क्या भाई साहब छत पे ही सोते हैं अपना टेंट लगा करके। मैं इसी में सोता हूं भाई। देखो ये कंफर्ट जोन है अपना, इसमें एक मच्छर नहीं आता, प्लस में अच्छा आता है, मतलब अच्छा नहीं आता इसमें, बहुत ही अच्छा प्राइवेसी होती है बिल्कुल हर तरह से। तो अनिल भाई अपना चैटिंग कर रहा है दोस्तों से, अनिल भाई है अपना और मस्त लग रहा है। अच्छा और क्या अनिल भाई रात को 10 मजे ले रहा है। तो खाना वाना खा करके अभी आ गए हैं हम लोग सोने के लिए, अभी देखते हैं कब तक है यहाँ पे। और घर पर नहीं है, इसको किडनैप कर लिया है भाई साहब, आया अपने मर्जी से जाएगा मेरे मर्जी से सुन रहे ना तो भाई साहब अपना स्लीपिंग ये है, स्लीपिंग बैग है उसमें सो रहा है ये हल्का होता है मजे आते हैं इसमें सोने में। और मैं अपना कंबल ओढ़ रहा हूँ ठीक है। और ये देख रहे ना ये जुगाड़ यहाँ पे है बोर्ड भाई मच्छर घुसेगा इसमें नहीं नहीं उतना में नहीं आता है भाई, ऐसे मतलब आएगा तो एक ही आएगा ना तो अभी आप कितने जन बोलेंगे तो इसमें ऐसे रखे तो करंट लगेगा, तो जब तक फोन चार्ज हो जाएगा फुल फिर बोर्ड को बाहर कर देंगे, आधे घंटे में फोन चार्ज होता है तो बाहर कर देंगे। और एक चीज मुझे अभी पता चला, यहाँ पे मोबाइल सब रखने वाला है, यानी कि कुछ रखने वाला है, ये अभी पता चला है मुझे। और ये देखो ये क्या है मालूम है? ये तो ये खोल करके उसको बांध सकते हैं इसमें। हाँ वही है, ये नहीं मालूम था मुझे। और ये है ये कपड़ा सुखाने के लिए, ये टांगने के लिए, हाँ लाइट वगैरह वो टांगने के लिए ये सब। तो अभी यहीं पे मैंने टेंट में सो रहे हैं ऊपर में, छत के ऊपर में, बारिश हो रही थी काफी तेज, लाइट भी बेकार था, मन बेकार हो गया था, लेकिन आया है तो अभी फोन सब चार्ज करते हैं, फिर ब्लॉग एडिट करेंगे, ब्लॉग एडिट करके अपलोड करेंगे, फिर सोएंगे और सुबह उठ साइकिल से अभी तक मैं पूरा करके। हाँ यार मजा आता है कि ये सब चीजें मतलब भाई पुरानी वाली साइकिल से क्यों यार, पुरानी मॉडल से
हमारे बस का बात है भाई, उसका सीट और वो सीट तो ठीक है भाई, उसका जो हैंडल है ना, और जो साइकिल इतनी लंबी है भाई, उसका पैर जैसे लगता है कि भाई वो जो क्या बोलते हैं, वो जो बाइक आता है एक घोस्ट राइडर, वो वाला उस जैसे भाई, ये साइकिल का फीलिंग आता है भाई। मेरे बस का बाहर है इस वाली साइकिल से करना। एक समय था जब बाहर मैंने निकले हुए थे, तो कब होगा पूरा होगा, कब होगा नहीं होगा, कब जाएंगे घर पे, ऐसा सोचते थे। और अभी घर पे जा रहे, मात्र यहाँ से 349 किलोमीटर दूर है मेरा घर यहाँ पे। तो अगर शॉर्टकट से जाएंगे तो 200-250 किलोमीटर ऐसा होगा। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं अपने घर पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है अजीत भाई के घर पे आकर के, पूरा अपना घर जैसा फीलिंग आ रहा है। और घर भी इतना मस्त जगह पे है ना, बगल में नदी है, बहुत ही अच्छा सा जगह सब है घूमने वाला। तो जैसा जैसा घूमेंगे वैसे आप सभी को घुमाएंगे, ठीक है। तो आज का ब्लॉग में यही सब था, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रोजाना ब्लॉग्स देखने के लिए। आज के लिए नहीं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय मैथिली। धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए।